हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है पूजा और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो वेडिंग स्पेशल होने वाली है। अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का हॉल वीडियो रखा है। जो भी आउटफिट है वो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज करे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। फ्लिपकार्ट पे आपको लेटेस्ट सिलेक्शन मिलते हैं विद इन्फ्लुएंसर स्टाइल, जो कि हर वीक रिफ्रेश होते हैं। आपको यहाँ पे हर वीक कुछ नया देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको वाइड सिलेक्शन मिलता है विद ग्रेट क्वालिटी, जेन्युइन आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं। जो भी प्रोडक्ट आप तक पहुंचते हैं उनकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको पहले 6 टाइम उनको चेक किया जाता है। जब वो क्वालिटी में उनको अप्रूवल मिल जाता है उसी के बाद वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचते हैं। अगर आपको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है तो आप अपनी लैंग्वेज में भी फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर सकते हो, तो ये बहुत ईजी बनाता है शॉपिंग करना हर इंसान के लिए। 10 लाख प्लस स्टाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है और जिनकी स्टार्टिंग प्राइस है 199। इजी आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो, इजी एक्सचेंज कर सकते हो और बहुत इजी आपको यहाँ पे अपना रिफंड मिल जाता है। इनकी डिलीवरी भी बहुत फास्ट है, 48 आवर्स में आपके प्रोडक्ट आप तक पहुंचा देते हैं। तो अगर आप बहुत जल्दबाजी में और आपको बहुत जल्दबाजी में शॉपिंग करनी है और अपने प्रोडक्ट बहुत जल्दी चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि इनकी डिलीवरी बहुत फास्ट है। फ्लिपकार्ट बहुत सारे एफर्ट लगाता है अपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, तो इसीलिए तो ऐसे ही थोड़ी बन गया है इंडिया का फैशन कैपिटल। और हाँ, इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर चेक करिएगा, पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और हाँ, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो साइड में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दें, ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो यहाँ पे जो मैंने आउटफिट पहना है इस पे मैंने एक फुल रिव्यू वीडियो बनाई है, तो अगर आप इसका फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस आउटफिट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो इयररिंग्स मैंने पहने हैं वो भी मैंने ऑनलाइन परचेज करे हैं, तो इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ्लिपकार्ट पे जो भी वेडिंग स्टोर है उस पे आपको up to 80% तक ऑफ मिलेगा, और जो भी ट्रेंडी कुर्ती या कुर्ती सेट है उन पे आपको minimum 50% तक ऑफ मिल जाएगा। बीबा के जो भी ट्रेंडी कुर्ता और या कुर्ती सेट है उन पे भी आपको minimum 50% ऑफ मिलेगा। तो अभी वेडिंग सीजन चल रहा है और आप अपने लिए कुछ स्पेशल वेडिंग के अकॉर्डिंग कुछ लेना चाहते हो, कुछ एथनिक सी ड्रेस आप अपने लिए लेना चाहते हो, तो फ्लिपकार्ट पे एक बार जरूर चेक करिएगा, क्या पता आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कुछ मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ से परचेज करा था वो एक ये साड़ी है। इस साड़ी ने मुझे कॉस्ट करा था 798 और इस पे मुझे 75% ऐसे कुछ डिस्काउंट मिला था। अभी इस साड़ी की प्राइस और भी कम हो चुकी है, अभी इस पे 83% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके फैब्रिक की बात करूं तो फैब्रिक बहुत अच्छा है, सॉफ्ट फैब्रिक है, जॉर्जेट है, बट सिफोन टाइप का जॉर्जेट है, थिक जॉर्जेट नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक मिलेगा आपको इस साड़ी का। और पूरी साड़ी पे इतना सुंदर सा इसमें प्रिंट बना हुआ है। ये जो साड़ी है वो मैंने थोड़ा सा मॉडर्न लुक के अकॉर्डिंग इसको परचेज करा था। अगर आप रिसेप्शन वगैरह में जा रहे हो और अगर आप कुछ मॉडर्न स्टाइल का पहनना चाहते हो बट साड़ी पहनना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है और इसका जो पैटर्न है ना साड़ी का, जो प्रिंट है वो भी बहुत सुंदर है। पूरी साड़ी पे आपको ये वाला बॉर्डर मिलेगा, कट वर्क वाला ये बॉर्डर बना हुआ है और इसमें जरी के धागे का इसमें पूरा ये वर्क हो रखा है। साथ में इसमें सीक्वेंस भी मिलेंगे, बट ये जो सीक्वेंस है ये आपको इरिटेट नहीं करेंगे क्योंकि ये इस बॉर्डर के अंदर इस तरह से लगे हुए हैं, तो ये कहीं से आपको चुभेंगे नहीं। पूरी साड़ी में आपको यही बॉर्डर मिलेगा, जिधर से अगर पल्लू जाता है उधर से अगर मैं इस बॉर्डर की लेंथ की बात करूं तो ये आपको 2.25 मीटर के लमसम मिलेगा। तो हाँ, इसकी बॉर्डर की लेंथ अच्छी है और जहां से हम प्लीट्स बनाते हैं वहां से अगर ये बॉर्डर स्टार्ट होता है तो उसमें आपको इतनी लेंथ के बाद ये बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा, तो ये चीज भी अच्छी है कि बहुत ज्यादा गैप नहीं है यहाँ पे, तो ये चीज मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। और इस साड़ी के साथ जो ब्लाउज आपको रिसीव होगा वो ये वाला है, ड्यूपिन का ब्लाउज है, प्लेन ब्लैक कलर का आपको ब्लाउज मिलेगा और साथ में आपको ये वाली लेस भी मिलेगी जिसको आप स्लीव्स पे आराम से लगवा सकते हो। अगर मैं ब्लाउज की लेंथ की बात करूं तो ब्लाउज आपको 70 या 80 सेंटीमीटर मिलेगा। अगर मैं ब्लाउज के फैब्रिक की बात करूं तो जो बेसिक जो ड्यूपिन के फैब्रिक होते हैं वो वाला फैब्रिक आपको ब्लाउज का मिलेगा, बट फैब्रिक अच्छा है, ड्यूपिन जो अच्छा वाला ड्यूपिन होता है वो वाला फैब्रिक आपको इसमें ब्लाउज का मिलेगा।
इसको मैंने स्टाइल करा था एक क्रॉप टॉप के साथ, बट आप अगर इसको ब्लैक कलर के ब्लाउज के साथ स्टाइल करोगे तो इसका लुक और भी ज्यादा आएगा, क्योंकि जब मैं इसको स्टाइल कर रही थी तो मुझे ब्लैक कलर का, जो प्रॉपर ब्लैक कलर होता है, उस कलर का ब्लाउज मुझे मिला नहीं। बट आप इसको अगर पूरा ब्लैक कलर के साथ स्टाइल करोगे तो इसका लुक और भी ज्यादा अच्छा आएगा। मैंने इसके साथ एक नेक पिक स्टाइल करा था, आप चाहो तो इयररिंग्स के साथ भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा ज्वेलरी आप इसमें मत पहनना, क्योंकि थोड़ा सा मॉडर्न लुक के अकॉर्डिंग ये साड़ी है। नेक्स्ट जो आउटफिट होने वाला वो ये है, इसमें आपको कुर्ती मिलेगी और प्लाजो मिलेगी। सांगरिया ब्रांड का है और इसने मुझे कॉस्ट करा था 1087 और इसमें मुझे 70% डिस्काउंट मिला था। तो ये कुर्ती सेट बहुत ज्यादा सुंदर है और वेडिंग के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन है। अगर मैं इसकी कुर्ती की बात करूं तो कॉटन जो होता है ना, रियॉन टाइप का कॉटन होता है, वो वाला फैब्रिक आपको इसमें मिलेगा और ऑल ओवर इस पे ये वाला प्रिंट मिलेगा, जो फॉइल प्रिंट होता है ना, वो वाला प्रिंट आपको इस पूरी कुर्ती में मिलेगा। और इसका जो फॉइल प्रिंट है ना, वो भी अच्छी क्वालिटी वाला है, बारीक वाला है। एक तो मोटा फॉइल प्रिंट होता है और एक बारीक प्रिंट होता है, तो बारीक वाला होता है ना, वो अच्छी क्वालिटी होती है, इजीली वो खराब नहीं होता। बट हाँ, आप इसको रफ वॉश नहीं कर सकते, आपको इसको इजी वॉश ही करना पड़ेगा। इसमें आपको राउंड नेक मिलेगा, बैक से भी आपको इसमें राउंड नेक मिलेगा, 3/4 स्लीव्स है और इसका जो पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा जो फ्लेयर टाइप का जो पैटर्न होता है ना, वो वाला पैटर्न आपको इसकी कुर्ती में मिलेगा। और इसका जो फ्लेयर है वो बहुत अच्छा है, बहुत सारा फ्लेयर आपको इस कुर्ती में मिलेगा। और ये जो फ्लेयर बना हुआ है ना, गैदर्स के साथ बना हुआ है। सांगरिया की जो कुर्तीज होती है उनका फ्लेयर ऑब्वियस बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बैक से भी आपको सेम ये ऐसे ही मिलेगा, तो ओवरऑल एक ही प्रिंट की कुर्ती है, इसमें एक्स्ट्रा कोई बॉर्डर या ऐसा कुछ नहीं है। बट इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्रॉपर जो वेडिंग अकॉर्डिंग जो कुर्ती होती है ना, वैसा है ये। और इसमें आपको एक साइड पॉकेट भी मिलेगी, इस तरह से इसमें पॉकेट भी मिलेगी, दोनों साइड नहीं है बट एक साइड ही पॉकेट है। अब देखते हैं इसकी प्लाजो। प्लाजो का जो फैब्रिक है वो भी कॉटन मिक्स, जो रियॉन होता है वो वाला फैब्रिक आपको इसकी प्लाजो में मिल जाएगा। और इसकी जो विड्थ है वो इतनी है, बहुत ज्यादा फ्लेयर है इसकी प्लाजो में। और नीचे की साइड आपको इस तरह से गोटे की डिटेलिंग मिलेगी। ये जो फ्लेयर है ना, ये एक साइड का है, सेकेंड का ये है, तो इसका फ्लेयर बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और ऑल ओवर आपको इसमें इलास्टिक मिलेगा। तो इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली जो इसकी कुर्ती है वो फुल आपको प्रिंट में मिलेगी, तो इसकी जो प्लाजो है वो आपको प्लेन मिलेगी, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं कुर्ती सेट की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा सुंदर कुर्ती सेट है। इसको आप वेडिंग में स्टाइल कर सकते हो, आप नाइट में इसको स्टाइल कर सकते हो, क्योंकि इस पे फॉइल प्रिंट है, तो फॉइल प्रिंट थोड़ा सा शाइनी होता है, तो नाइट में इसका लुक और भी ज्यादा अच्छा आता है। मैंने इसको स्टाइल करा था चोकर नेकलेस के साथ, मैंने डबल चोकर नेकलेस पहने थे। बट आप अगर दुपट्टा लेना चाहते हो तो आप इयररिंग्स पहन सकते हो, बिग साइज के जो इयररिंग्स झुमकाज होते हैं उसके साथ भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो, आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक साड़ी है, इसने मुझे कॉस्ट करा था 899 और उसपे मुझे 68% का डिस्काउंट मिला था, अभी इस पे 71% डिस्काउंट चल रहा है। ये एक बनारसी साड़ी और ये साड़ी बहुत सुंदर है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, पर्पल कलर होता है ना, बहुत अच्छा लगता है और बनारसी लुक में तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ रानी कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो कि मर्जेंटा कलर होता है, उसके कॉम्बिनेशन में ये साड़ी मिलेगी। बीच में आपको पूरी साड़ी पे आपको इस तरह के मोटिफ मिलेंगे, ये जो मोटिफ है वो सेल्फ प्रिंट आप बोल सकते हो इनको, जो कि बुनाई के साथ ये बनाए जाते हैं। तो ये पूरी साड़ी पे आपको सेम ऐसे ही मोटिफ मिलेंगे पूरी साड़ी पे। इसमें आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड सेम ही बॉर्डर मिलेगा, बॉर्डर की जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, हाँ सफिशियंट है, बहुत कम भी नहीं है बट बहुत ज्यादा भी नहीं है, आप आराम से इसको कैरी कर पाओगे। इसके साथ जो ब्लाउज रिसीव होगा वो आपको पूरा प्लेन ब्लाउज रिसीव होगा, जो कि मर्जेंटा कलर में, और साथ में आपको ये वाला बॉर्डर भी रिसीव होगा, इसको आप अपनी स्लीव्स पे लगवा सकते हो। ब्लाउज की जो लेंथ है वो 80 या 90 सेंटीमीटर आपको ब्लाउज की लेंथ मिलेगी। और अगर मैं इसके पल्लू की बात करूं तो पल्लू भी आपको इस तरह से मर्जेंटा कलर का मिलेगा। तो इनका जो दोनों का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम जो वेडिंग स्पेशल होता है ना, एकदम कलर कॉम्बिनेशन एकदम ट्रेडिशनल सा, उस तरह का ये कलर कॉम्बिनेशन है। इस साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है।
इसके फैब्रिक में थोड़ी शाइनिंग है और ये डबल शेड वाली साड़ी है। इसको जब आप ऐसे देखोगे तो इसमें थोड़ा सा रेड टच भी आपको मिलेगा और पर्पल कलर, तो ये साड़ी पूरी है ही। इस साड़ी के नीचे की साइड आपको 1 मीटर के लमसम ये प्लेन फैब्रिक मिलेगा। अगर आप फ्री पल्लू के साथ इसको पहनोगे तो ये छुप जाएगा, अदरवाइज अगर प्लीट्स बनाओगे तो पीछे की साइड आपको ये थोड़ा सा प्लेन हिस्सा दिखेगा इसमें। इसका बॉर्डर बहुत सुंदर है, इसका जो कलर है वो बहुत सुंदर है और इस पे जो ये मोटी बने हुए हैं गोल्डन कलर और पर्पल कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत मुझे अच्छा लगा। इसको मैंने स्टाइल करा था डबल नेक पीस के साथ, मैंने इसको स्टाइल करा था क्योंकि मुझे इसको प्रॉपर एक वेडिंग स्पेशल लुक देना था। साथ में मैंने गजरा भी ऐड करा था, इसके साथ मैंने इयररिंग्स भी पहने थे, तो प्रॉपर मैंने इसके साथ ज्वेलरी स्टाइल करी थी पीछे बन बना के। तो आप उस तरह भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो, आप इसके खुद के ब्लाउज के साथ इसको पहने को तो इसका लुक और भी ज्यादा अच्छा आएगा। जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी एक कुर्ती सेट है, इसमें आपको पैंट मिलेगी और साथ में इसमें कुर्ती मिलेगी। इसका ब्रांड सांगरिया है जो कि मुझे बहुत पसंद है और इसने मुझे कॉस्ट करा था 13.11, इस पे मुझे 65% या 70% इस पे मुझे ऑफ मिला था। बहुत ही सुंदर कुर्ती सेट है। सबसे पहले इसका कुर्ती देखते हैं। अगर मैं कुर्ते के फैब्रिक की बात करूं तो फैब्रिक इसका आपको कॉटन मिलेगा और पूरी कुर्ते पे आपको ये चेक्स बने हुए हैं, ये फॉइल प्रिंट है। एक्चुअली जो भी चेक्स इस पे बने हुए हैं ये फॉइल प्रिंट है, बट ये फॉइल प्रिंट आपको जो अच्छी क्वालिटी वाला फॉइल प्रिंट आपको इस पूरी कुर्ती पे मिलेगा। इस तरह से पूरी कुर्ती पे ये वाला डिजाइन बना हुआ है, बैक में भी सेम आपको ऐसे ही मिलेगा और फ्रंट पे भी आपको सेम ऐसे ही मिलेगा। नेक पे आपको इस तरह से पूरी आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। इसकी जो स्लीव्स है वो आपको थोड़ी सी फ्लेयर वाली मिलेंगी, स्लीव्स की जो लेंथ है वो आपको एल्बो से ऊपर मिलेगी और यहाँ पे आपको इस तरह से डोरी मिलेगी जो कि फिटिंग देने के लिए, ये शो के लिए नहीं है, इससे प्रॉपर फिटिंग होती है। और नीचे इस तरह से थ्रेड की इसमें आपको टसल्स भी मिलेंगी। फ्रंट में आपको इसमें हाई स्लिट मिलेगी, ये स्लिट आपके जो टॉप है वहां तक आपको ये स्लिट मिलेगी, जैसे जो स्लिट है उस पर आपको इस तरह से गोटे की डिटेलिंग मिलेगी। फ्रंट में जो इसकी डिजाइन है ना वो अप एंड डाउन की है, मतलब एक साइड का पोर्शन आपको थोड़ा ऊपर मिलेगा, एक साइड का पोर्शन आपको थोड़ा नीचे मिलेगा। फ्लेयर वाला ये पूरा कुर्ता है और इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है और ये आपको अम्ब्रेला कट में मिलेगा, इसका फ्लेयर इतना है। सांगरिया की जो कुर्तीज होती है प्लाजो होती है उनका फ्लेयर बहुत अच्छा होता है और इसमें आपको एक साइड पॉकेट भी मिल जाएगी। बैक से आपको ये पूरा इसी तरह के पैटर्न का मिलेगा, बैक में इसमें कोई आपको एम्ब्रॉयडरी या कुछ नहीं मिलेगा और नेक पे भी आपको ये पूरा इस सेम पैटर्न ही मिलेगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी पैंट की, तो पैंट का भी आपको सेम वैसा ही फैब्रिक मिलेगा जैसा फैब्रिक इसकी कुर्ती का है, सेम वही प्रिंट आपको पैंट पे मिलेगी जैसा प्रिंट इसकी कुर्ती में हो रखा है। इसकी जो विड्थ है पैंट की वो आपको इतनी मिलेगी, तो प्रॉपर ये पैंट वाली ही विड्थ है, जो नैरो पैंट होती है वैसी आपको इसमें विड्थ मिलेगी और इसमें इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी। एक्चुअली इस कुर्ती पे भी बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बहुत कलरफुल है ये एम्ब्रॉयडरी। जो कुर्ती की एम्ब्रॉयडरी है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बहुत फिनिशिंग से है और सेम इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी आपको इस पैंट पे मिलेगी। आगे की साइड आपको इसमें बेल्ट मिलेगा, पीछे की साइड आपको इसमें इलास्टिक मिलेगा। एक्चुअली अगर इसमें आगे की साइड भी इसमें इलास्टिक दे देते तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो कुर्ती है ना वो हाई स्लिट है तो उसमें से ये पूरा पैटर्न दिखेगा और थोड़ा सा आपका स्टमक भी इसमें दिखाई देगा, तो अगर इलास्टिक हो जाता है ना तो प्रॉपर इस तरह से गैदर्स आ जाते हैं, तो वो एकदम जो प्रॉपर फिटिंग होती है ना, लुक होता है, वो नहीं आ पाता है। और इसको मैंने स्टाइल करा था इयररिंग्स के साथ और साथ में पीछे मैंने इसके साथ रेड कलर के फ्लावर यूज करे थे जिससे प्रॉपर एक वेडिंग के स्टाइल इसका लुक आए। आप चाहो तो वैसे भी इसको स्टाइल कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ डिफरेंट तरीके से भी इसको स्टाइल कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक साड़ी है, इसने मुझे कॉस्ट करा था 749 और इसपे मुझे 83% ऐसे कुछ डिस्काउंट मिला था। ये साड़ी बहुत ज्यादा सुंदर है एक्चुअली, एकदम अगर आप न्यूली मैरिड हो तो भी ये साड़ी आप पहन सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल लुक चाहिए तो भी आप इस साड़ी को स्टाइल कर सकते हो। इसका लुक, इसका कलर बहुत ज्यादा सुंदर है। इस साड़ी पे आपको इस तरह का बॉर्डर मिलेगा, ये जो बॉर्डर है ये नीचे की साइड है और नीचे की साइड आपको ब्रॉड बॉर्डर मिलेगा, बट ऊपर की साइड आपको ये बॉर्डर की जो चौड़ाई है वो आपको कम मिलेगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब बॉर्डर की चौड़ाई ऊपर की साइड से कम होती है तो उसको कैरी करना इजी हो जाता है,
आप आराम से उसको कैरी कर पाते हो, बट अगर बहुत ब्रॉड बॉर्डर हो जाता है ऊपर की साइड भी तो उसको कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऊपर की साइड आपको इसमें ग्रीन कलर की ये पट्टी मिलेगी, पूरी साड़ी में आपको ये वाली पट्टी मिलेगी। ये जो पट्टी है इसमें ब्राउन शेड भी है और ग्रीन शेड भी है, तो कैमरे पे थोड़ा सा ब्राउन ज्यादा दिखा रहा है, बट इसमें ग्रीन कलर अच्छा वाला फ्रेश लीफ कलर जो होता है वो वाला ग्रीन कलर की आपको इसमें पट्टी मिलेगी। पूरी साड़ी में आपको ये वाला पैटर्न मिलेगा, पूरी साड़ी में ऑल ओवर साड़ी पे ये वाला पैटर्न बना हुआ है। अगर मैं इसके पल्लू की बात करूं तो इसका पल्लू भी बहुत सुंदर है, इस तरह का पल्लू आपको इसमें मिलेगा। वाव, रेड कलर के साथ जब गोल्डन कलर मिक्स होता है ना बनारसी साड़ी में, अगर गोल्डन और ग्रीन का ऐसे टच होता है तो वो लुक बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो वो पूरी साड़ी पे बहुत हैवी प्रिंट इस पे बना हुआ है, तो इसके साथ जो ब्लाउज है ना वो आपको पूरा प्लेन मिलेगा। तो ये अच्छा है कि साड़ी बहुत ज्यादा प्रिंट है साड़ी में, तो जब ब्लाउज इसका प्लेन होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, अदरवाइज बहुत ज्यादा हॉच पॉच लुक हो जाता है। साथ में आपको ये बॉर्डर भी मिलेगा जिसको आप स्लीव्स पे यूज कर सकते हो। जहां से हम प्लीट्स लेते हैं वहां पे आपको इस साड़ी में इतना ही फैब्रिक प्लेन मिलेगा, तो ये चीज बहुत अच्छी है। अगर आप इसको फ्री पल्लू भी नहीं पहनते हो तो भी बैक से इसमें प्लेन फैब्रिक आपका नहीं दिखेगा। इसके अगर मैं फैब्रिक की बात करूं तो बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है, बहुत इजीली इसकी प्लीट्स बन जाती है, और इससे पहले भी जो मैंने साड़ी आपको दिखाई थी उस साड़ी की प्लीट्स भी बहुत इजीली बन जाएंगी। इसको मैंने स्टाइल करा था बनारसी टाइप का, एक ग्रीन कलर का मेरे पास ब्लाउज था जिसका जो प्रिंट था वो ज्यादा विजुअल नहीं था, और जो मैंने ज्वेलरी पहनी थी वो साउथ इंडियन टाइप की जो ज्वेलरी होती है जिसको हम टेम्पल ज्वेलरी भी बोलते हैं, उस तरह की ज्वेलरी के साथ मैंने इसको स्टाइल करा था। तो इस तरह की साड़ियों पर अगर आप टेम्पल ज्वेलरी पहनते हो या गोल्ड की ज्वेलरी भी आप पहनते हो तो आपका लुक बहुत अच्छा आता है। पीछे मैंने एक बन बनाया था, उसमें मैंने गजरा भी लगाया था, तो आप उस तरह से भी इसको स्टाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप अपनी स्टाइल में भी इसको स्टाइल कर सकते हो। ओवरऑल साड़ी बहुत अच्छी है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, और इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। प्रॉपर जो वेडिंग और फेस्टिवल के अकॉर्डिंग जो साड़ी होती है ना वैसी साड़ी ये है। तो ओवरऑल ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे एक्चुअल में सभी आउटफिट बहुत ज्यादा अच्छे लगे, प्राइस वाइज भी बहुत अच्छे लगे और लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छे लगे और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे लगे। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दे, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।